मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिनके पास सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन सबके बावजूद उन्होंने मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ा और यही बड़ी वजह है कि आज मौजूदा समय में मिथुन चक्रवर्ती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की अगर बात करें तो इनका करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 4 दशक से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान इन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। साल 1976 में आई फिल्म मिर्गिया से इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनकी पहली फिल्म बंगाली फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने एंट्री 2 अनजाने फिल्म के जरिए मारी थी और इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि शुरुआती दौर में मिथुन चक्रवर्ती की कद काठी और उनकी रंग रूप को देखने के बाद कई सारे बड़े सुपरस्टारों उनका मजाक तक उड़ाया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये सुपरस्टार बन गया तो हम फिल्मों में काम करना बंद कर देंगे। लेकिन उन सभी कलाकारों के मुंह पर उन्होंने ऐसा तमाचा मारा कि आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और मिथुन चक्रवर्ती मौजूदा समय में भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मिथुन चक्रवर्ती वैसे तो कई सारी जॉनर की फिल्में कर चुके हैं। इनिशियली डेज में जब मिथुन चक्रवर्ती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े थे तो वो अपने डांस मूव को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते थे और बाद में उन्होंने एक्शन में ऐसी महारत हासिल कर ली कि एक्शन से लवरेज उनकी कई सारी फिल्में रही जिन फिल्मों को आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिनकी 100 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन सबके बावजूद उनका करियर बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं हुआ और आज मौजूदा समय में भी फिल्मों से जुड़े रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को बार बार फ्लॉप फिल्में दी हैं। मुख्य रूप से वो हिंदी फिल्मों में दिखते रहे, लेकिन उन्होंने तमिल, तेलुगू, कन्नड़, पंजाबी और बंगाली जैसी फिल्मों में भी अपने अभिनय का परचम लहराया। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी अभिनेता द्वारा सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड भी बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि साल 1998 से लेकर 2007 के बीच तक मिथुन चक्रवर्ती ने तकरीबन 33 फिल्मों में अभिनय किया जिनमें से सभी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और यह कारनामा करने वाले मिथुन चक्रवर्ती इकलौते ऐसे अभिनेता थे। साल 1998 में उनकी आखिरी सिंगल हिट फिल्म चंडाल हुई थी और चंडाल की रिलीज के जितनी फिल्में रिलीज हुई सभी की सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई और उनके फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट भी काफी लंबी बताई जाती है। हालांकि 9 साल के लंबे वक्त के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने एकमात्र ऐसी फिल्म में काम किया जिसने तकरीबन 3 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी और इस क्रम को आखिरकार 2007 में मणिरत्नम की गुरु ने तोड़ दिया। हालांकि फिल्म के स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय थे, लेकिन फिल्म में मिथुन की सहायक भूमिका भी मौजूद थी। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्में बनाना कम कर दिया और वैसे ही सफलता भी उन्हें कभी कभार ही मिलती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने पर्दे पर लीड की बजाय सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, फिर वे कभी मुख्य भूमिका में नहीं दिखे। नतीजन पिछले 25 सालों में मिथुन चक्रवर्ती ने कोई भी सिंगल हिट नहीं दी है और अब वो टीवी पर कई सारे शो के जज के रूप में भी दिखते हैं। हालांकि 80 के दशक के दौरान उन्होंने सिंगल लीड और बड़े कलाकारों के हिस्से के रूप में काम किया, कई हिट फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। इससे स्टारडम को एक नई दिशा भी मिली जो 90 के दशक तक फैल गई जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती 33 बैक टू बैक फिल्म देने के बाद भी अपना स्टारडम बरकरार रखने में सक्षम थे। हैरानी की बात तो यह रही है कि मिथुन चक्रवर्ती का नाम सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने की लिस्ट में शुमार है और मिथुन चक्रवर्ती ने तकरीबन अपने करियर के दौरान 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लेकिन आप भी यह जानकर चौंक जाएंगे कि उन्होंने तकरीबन 121 फ्लॉप फिल्में दी हैं और ऐसा कारनामा करने वाले मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र अभिनेता बन चुके हैं। इसी के साथ ही अगर आने वाले समय में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की तरफ डालें तो इस समय वो अपनी फिल्म बाप को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, जो कि एक हिंदी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एड़ा भगत के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। खास बात तो ये रही कि इस फिल्म में उनके साथ 90 के दशक के कई सारे अभिनेता भी नजर आने वाले हैं जिनमें सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं और इन सभी का लुक भी रिवील कर दिया गया है।